1964 में जो टॉपिक हैं अगर सिलेबस के हिसाब से देखें तो 1969 में हम लोगों में कंप्यूटर के जो जो टॉपिक हैं उसमें एक नंबर सिस्टम है, ठीक है। नंबर सिस्टम में हम लोग बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा, इन तीन नंबर सिस्टम को देखेंगे, ठीक। डेसिमल में हमारे पास सारी जो भी डिजिट है वो डेसिमल में हम लोग पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम के बाद हम लोग लॉजिक गेट्स को, लॉजिक गेट में एंड और नॉट, इन तीन गेट के बारे में हम लोगों को पता है पहले से। उसके बाद होता है नैंड और नॉर, दो स्पेशल गेट हैं एक्सऑर और एक्स नॉर। इन सभी लॉजिक गेट की टेबल, फंक्शन और स्टेट डायग्राम कैसे, इनको देखना होगा। और उसके बाद का एक टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा, तो ये फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद का जो टॉपिक है वो है के मैप, ये भी फंक्शन को मिनिमाइज करता है या सिंप्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, ये चार ऐसे टॉपिक हैं जो निम्सट में आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, जो निम्सट में 10 क्वेश्चन आते हैं हर साल, लगभग 6 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे आप। फिर कुछ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो बेसिक रहते हैं फंडामेंटल के, ठीक है। तो फंडामेंटल में क्वेश्चन आपका मेमोरी से भी हो सकता है, ठीक है, फुल फॉर्म भी हो सकती है। अभी किसी लैंग्वेज से भी पर्पस क्वेश्चन हो सकता है, किसी के फाउंडर कौन है, कितनों को पता सी के फाउंडर कौन है, सी लैंग्वेज डेनिस रचित है, ठीक है, सी सी प्लस प्लस जो भी, सिंपल से ऐसे क्वेश्चंस जो पूरी कंप्यूटर की फंडामेंटल को बताते हैं, जिसमें फुल फॉर्म में आपके जैसे SMTP, HTTP, इनमें से कभी एक आध क्वेश्चन आते हैं। मेमोरी का मतलब कि एक वर्ड में कितने बिट होते हैं, या बिट, बाइट, निवल, किलोबाइट, इन सब का दिया हो, बोले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए आप या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं, ऐसा निम्सट में क्वेश्चन आया हुआ है पहले मेमोरी का। तो ये पार्ट जो है वो हम लोग बाद में देखेंगे, फंडामेंटल का पार्ट। चार जो मेन इंपॉर्टेंट है, तो उसमें के मैप पे लगभग 2 क्वेश्चन हर साल आता है, एक क्वेश्चन इसका रहता है। लॉजिक गेट्स पे कभी कभी एक क्वेश्चन या 2, इसमें या तो सिंपल गेट पूछेगा नहीं तो एक फिगर आपके सामने होगा और उस फिगर का आपको आउटपुट बताना होगा, और फिगर में क्या होंगे, गेट्स का यूज किया जा रहा होगा, ठीक है। एक ऐसा डायग्राम बनेगा जिसमें कुछ जगहों पे किसी वेरिएबल के साथ एंड गेट होगा, कहीं पे एक्सॉर गेट होगा, कहीं पे नॉर लगा होगा, लास्ट में आउटपुट आ रहा होगा, वो आउटपुट आपको बताना होगा कि आउटपुट क्या है, ठीक है। तो वो इसकी अगर आपको फंक्शन पता है तो वो आंसर उसका इजीली निकल आता है। और नंबर सिस्टम में कन्वर्जन हम लोग करते हैं, इस टॉपिक में होगा कन्वर्जन के बारे में। कन्वर्जन होगा कि डेसिमल से बाइनरी कैसे बनाएं, ऑक्टल कैसे बनाएं और हेक्सा कैसे बनाएं, या फिर बाइनरी से डेसिमल कैसे जाएं, ऑक्टल से डेसिमल कैसे जाएं और हेक्सा से डेसिमल कैसे। फिर इंटरनल भी चेंज होता कि बाइनरी को ऑक्टल में करना, ऑक्टल को हेक्सा में, या हेक्सा को बाइनरी में, इस तरीके से होता, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, तो आज हम लोग नंबर सिस्टम पे बात करते हैं। जो जो नंबर सिस्टम में हम लोग बेस सिस्टम में पढ़ेंगे, तो वो हम लोग पहला पढ़ेंगे बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा।
हेक्साडेसिमल पूरा नाम इसका, ठीक है। और डेसिमल नंबर सिस्टम तो हम लोग यूज ही करते हैं, तो सुने बाइनरी नंबर सिस्टम में इसका जो बेस होगा वो दो होता है, ठीक, ये सभी को ही पता है। ऑक्टल का बेस 8 और हेक्साडेसिमल का मतलब बेस 16। जैसे हमारे डेसिमल में बेस क्या होता है? 10, ठीक है। किसी भी नंबर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने होंगे? 0 to base -1। तो इसमें नंबर कौन कौन से होते हैं? 0 और बेस से माइनस 1 तक होंगे, 0, 1, तो दो ही हो सकते हैं। और इसमें टोटल नंबर कितने होंगे? होंगे 8, लेकिन कौन कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3, कहाँ तक जाएगा? base -1, 7। ये टोटल 8 नंबर होंगे, ठीक है। अगर कोई भी नंबर ऑक्टल का होगा तो यही 8 डिजिट उसमें होंगे। इससे इसमें नंबर कितने होंगे? 16, तो 0 to 15। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि 0 to 9 को हम लोग 0 to 9 लिखते हैं, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। आप इसको कैपिटल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल से भी, ठीक है, B, C, D, E और F। तो 12, 13, 14, 15, इन सबको हम लोग अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो ये रिप्रेजेंट का तरीका, अगर कोई भी नंबर किसी ने लिखा, अभी हम लोग इसको पढ़ते हैं 7, 9, 5। तो अगर ये बेस 10 में है तो ये 795 है। अगर किसी ने यहाँ पे बेस 16 लिख दिया तो अब आप इसको 795 नहीं बोले, ये गलत है। अब आप इसको बोलेंगे 795, केवल ये 3 बोलेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू डेसिमल में कुछ और होगी। अगर इसी नंबर को हम ऑक्टल में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? इस नंबर को ऑक्टल में लिख सकते हैं? नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑक्टल में हमें लास्ट डिजिट कहाँ तक हो सकता है? केवल मैक्सिमम 0 to 7। ये डिजिट सही है ऑक्टल में, ये भी डिजिट ऑक्टल में है, बट 9 कभी भी ऑक्टल में नहीं आ सकता। तो 795 ये नंबर ऑक्टल का नहीं है। ये नंबर क्या बेस 9 में आ सकता है? अगर किसी भी नंबर सिस्टम का बेस 9 हो उसमें आ सकता है? नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी बेस सिस्टम में वो भी बेस भी नहीं आता। इसमें 2 आ रहा है, नहीं, इसमें 8 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 9 बेस सिस्टम में 9 भी नहीं आएगा। हाँ, 9 से ऊपर कोई भी बेस सिस्टम होगा, ये बेस सिस्टम 10 में सही है, बेस सिस्टम 11 फिर भी सही है, 12, आगे कोई भी बेस सिस्टम हो ये चलेगा, लेकिन बेस इसका 9 या 9 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है कि कोई भी नंबर किसी भी बेस सिस्टम में लाई करता है या एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपको ये देखना कि उस बेस सिस्टम, जिस किसी भी बेस सिस्टम की बात हो रही है, डिजिट जो भी हैं सारे उस बेस सिस्टम से कम के होने चाहिए, ठीक। इसमें कोई डाउट? क्या जैसे किसी ने ये कहा, बेस का मतलब ये है, जैसे किसी ने कहा ये नंबर लिखा है 4, 5 और 7 और यहाँ x लिख दिया कि हमको बेस नहीं पता। आपके सामने कुछ क्वेश्चन के ऑप्शंस लिखे होंगे, तो यहाँ पे बेस 4 हो सकता है? नहीं होगा 4, यहाँ पे 4, 5, 6 up to 7 तक कोई बेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी नंबर में आप लिखोगे, जैसे अगर हम कहें हम लोग डेसिमल में पढ़ते हैं, डेसिमल में हम 0 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, डेसिमल का बेस 10 हो गया, तो हम 0, 1, up to 9 लिखते हैं। 10 को लिखने के लिए हम 1, 0 करते हैं। सपोज 11 लिखना, तो उसमें 2 बार 1 का यूज किया जाता है। डिजिट कहाँ तक होते हैं? 0 to 9 तक। ऐसे ही ऑक्टल में डिजिट कहाँ होंगे? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, up to 7 तक। इनको चाहे कितनी भी बार रिपीट करिए आप, 7, 7, 7, 1, ये नंबर ऑक्टल का है, पर उसमें कभी भी आप 8 नहीं लिख सकते, 9 नहीं लिखेंगे, या 8, 9 या इसके आगे की संख्या नहीं लिखेंगे। तो अगर इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7, तो यहाँ पे x की वैल्यू 7 भी नहीं हो सकती, और 7 से छोटी भी नहीं हुई, तो x हमेशा इसमें क्या होगा? ग्रेटर देन 7 होगा। कुछ इस तरीके से होता है, और इसको इक्वल करके किसी दूसरे के करें, ऐसे क्वेश्चन आए, तो आप इससे ऑप्शन ये निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू किससे होनी चाहिए? 7 से बड़ी होनी चाहिए। तो हम कुछ ऑप्शन चेक करते हैं इससे, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे, उससे चेक करेंगे, दोनों कंडीशन को मिलाएंगे तो हमारा आंसर आएगा। ऐसा एक क्वेश्चन अभी करेंगे, ऐसा
आईआईटी के जैम में क्वेश्चन आया हुआ है, दो नंबर सिस्टम को इक्वल किया है, एक में बेस को गायब कर दिया, एक में एक डिजिट लिखा गया। जैसे अगर मैं ये कहूँ ये वैल्यू किसी ने एक्स लिख दी, यहाँ लिख दिया 9, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, up to 8, एक्स की वैल्यू 8 तक ही हो सकती है, ठीक है। और किसी ने ये लिखा अगर एक्स की वैल्यू के लिए, अगर कोई ये वैल्यू लिखे कि 5, 7, 6, यहाँ एक्स लिख दें, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल करने हैं बाई चांस, तो यहाँ से आपको क्या मिला, 9 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है 0 to 8 इस कंडीशन, और यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी 7 से ज़्यादा। अगर इन दोनों कंडीशन को आप कंबाइंड करें, 7 से बड़ा होना चाहिए तो क्या हो सकता है, 8 ही हो सकता है, एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, ठीक है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 4, 8, 7, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे दो कंडीशन को यूज़ करके हम लोग आंसर निकालते हैं। तो ये एक सबसे बेसिक क्वेश्चन है इसका, कि दो नंबर सिस्टम्स का यूज़ करके आप बेस को फाइंड आउट करें या उसके डिजिट को फाइंड आउट करें, ठीक। अब कई बार ये क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ है कि किसी भी नंबर सिस्टम में उसके बेस को कैसे लिखते हैं, वैसे 1, 0 लिखेंगे, ऐसे ऑक्टल में 8 को लिखना है तो 1, 0 ही लिखेंगे, और हेक्सा में 16 लिखना तो 1, 0 ही लिखेंगे। इसीलिए हम बाइनरी सिस्टम जो अपना डेसिमल पढ़ते हैं, डेसिमल का बेस क्या होता है 10, इसको लिखने के लिए 1, 0 लिखते हैं, पढ़ने का तरीका 10 है। तो किसी भी बेस सिस्टम में बेस को लिखने के लिए 1, 0 का यूज़ होता है, ठीक है। इस कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए हम हर बेस सिस्टम का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, मैक्सिमम पेपर में जो होता है वो बाइनरी का आता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वहाँ पे दो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, वंस और टूस, इन्हीं में से ही क्वेश्चन आता है, पर हम लोग हर बेस सिस्टम में जाके कॉम्प्लीमेंट को चेक करेंगे, ठीक। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट की रेंज क्या होती है इनकी, और यहाँ पे कुछ बेसिक से पॉइंट हैं उनको भी हम लोग यूज़ करेंगे, सिंपल कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो मेन जो दो हैं वो बाइनरी का कन्वर्जन है और कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, इनको देखते हैं। क्वेश्चन आपको हमेशा इससे मिलेगा, एक क्वेश्चन मिनिमम पेपर में कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन हर साल मिलेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग बाइनरी कन्वर्जन, फिर आते हैं कॉम्प्लीमेंट पर, ठीक। अब कन्वर्जन का मतलब ये हुआ कि बाइनरी से ऑक्टल, हेक्सा या बाइनरी से डेसिमल, ठीक है। कन्वर्जन जो हम लोगों को चार बेसिक सिस्टम्स में पढ़ने हैं, तीन जो मैंने अभी नाम लिए कि बाइनरी का, ऑक्टल, बेस इसमें 2, 8, अब हम लोग डेसिमल भी लिख लेते हैं, डेसिमल, बेस 10 और हेक्सा। करने के लिए किसी भी बाइनरी सिस्टम, सॉरी, किसी भी बेस को किसी भी बेस में चेंज कर सकते हैं, हेक्सा डेसिमल, बेस 16। तो हम लोग एक एक करके बाइनरी को किस में कन्वर्ट करना सीखेंगे, पहले ऑक्टल में, डेसिमल में, हेक्सा, फिर ऑक्टल को लेंगे तो ऑक्टल को डेसिमल, हेक्सा और बाइनरी में, फिर डेसिमल को तीनों में कन्वर्ट करेंगे, फिर हेक्सा को तीनों में कन्वर्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो हर एक एक करके देख लेंगे, पर लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, ठीक है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो ये इनिशियली मामला है जब आप सीख रहे हो, हम लोग क्या करेंगे, एक जनरल मेथड का यूज़ करेंगे, कोई भी नंबर अगर एक्स बेस में है उसको हमें बाई में कन्वर्ट करना है, तो हम ये तरीका सीखेंगे। अब किसी ने कहा कि हमको ऑक्टल से डेसिमल चाहिए, तो सिंपल सा है कि ऑक्टल का मतलब यहाँ पे 8 था, डेसिमल में चाहिए यहाँ पे 10, तो एक हम जनरल मेथड सीख लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है कि अगर कोई भी नंबर किसी भी बाइनरी नंबर में, सपोज किसी भी बेस सिस्टम में लिखा है, कोई भी नंबर जो कि हमको पेपर मिलेगा, और वो ये पूछेगा कि इस नंबर को आप ऑक्टल में बदलिए, बाइनरी में करिए, डेसिमल में करिए, हेक्साडेसिमल में करिए, या फिर अन्य किसी भी बेस सिस्टम में करिए, ठीक। तो हम सबका एक एक पॉइंट ना पढ़ के ये 12 कन्वर्जन हो जाएगा, बाइनरी के लिए कितने पॉइंट 3, ऑक्टल के लिए 3, डेसिमल में 3, ऐसे में 12 कन्वर्जन पढ़ने पड़ेंगे, तो ऐसे हम केवल 2 पढ़ेंगे कन्वर्जन, इससे इसके लिए और फिर एक बार फ्रैक्शन के लिए, ठीक है, ये ज़्यादा आसान रहेगा। अगर नहीं आता तो फिर हम लोग एक एक कन्वर्जन को देखेंगे, ठीक। सपोज कोई भी नंबर है, एक नंबर है जिसका बेस क्या है, एम है,
और उस नंबर को क्वेश्चन में कहा गया है बेस एन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसका पहला प्रोसेस होगा कि इस नंबर को आप डेसिमल में कर लें, बेस 10 में कर लें, किसी को प्रॉब्लम? अब अगर पूछा ही जा रहा है कि इस नंबर को डेसिमल में करो तो आंसर हमारा यहीं पे मिल जाएगा, और अगर ऐसा नहीं पूछा जा रहा तो पहले ये स्टेप एक करेंगे, तो ये पहली स्टेप होगी, और डेसिमल को फिर दूसरे बेस में करेंगे, ये सेकंड स्टेप होगी, ठीक है। डेसिमल में करना ये हमारी एक तरीके से इंटरमीडिएट स्टेट होगी, ठीक, ये बात समझ में आ रही। अब अगर कोई नंबर हम लेना शुरू करें नॉर्मली, सपोज कोई नंबर हमारा लिखा हुआ है, इसी प्रोसेस को यूज़ करते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर हो सकता है, इसका बेस क्या है एम, ठीक है। अब इस नंबर को बदलना है हमें बेस एन में, यहाँ पे अभी डिजिट के साथ करेंगे तो आसान होगा, अभी हो सकता है कि ऐसा प्रॉब्लम करे, पर डिजिट के साथ जब हम लोग करेंगे तो बहुत आसान रहेगा। तो पहली स्टेप क्या होगी, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेसिमल में। तो डेसिमल में करने का तरीका ये होता है, जो बेस हमारा गिवन है, ठीक है, उस बेस की इंक्रीजिंग पावर में मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एम की पावर 0, एम की पावर 1, एम की पावर 2, अब टू सो ऑन चलेगा जहाँ तक डिजिट होते हैं, और इनका करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई, एम स्क्वायर का एक्स में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एक्स प्लस एम बाई प्लस ये 1 हुआ ना जेड, या फिर हम ये कहें कोई भी बेस सिस्टम होगा यहाँ पे तो ऑलवेज 1 आएगा, किसी बेस की पावर 0 करोगे यहाँ पे तो किसी को डाउट नहीं ना, तो ऑलवेज ये नंबर। तो इन दोनों का यूज करने के बाद ये नंबर डायरेक्ट इसमें ऐड कर दो, ये जो नंबर मिला ये किस में मिल गया, डेसिमल में आ गया, ठीक है। तो पहले हम इसके दो एग्जांपल करके देखते हैं कि किसी भी नंबर को डेसिमल में कैसे लाते हैं, फिर उन्हीं नंबर को डेसिमल में हम लोग एन तक लेके जाएंगे, अगले पॉइंट देखेंगे, ठीक। तो एक ऑक्टल, एक बाइनरी, एक हेक्सा, इन तीनों को डेसिमल में चेंज करना। तो जब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं पहले, ठीक है, फर्स्ट वाला आ गया, हाँ, तो उसके बाद फर्स्ट वाला भी देखते हैं। टू की पावर 0, यहाँ पे 2 की पावर 1, तो मतलब 2 हो गया ना, अब हम पावर ना लिख के डायरेक्ट नंबर लिखेंगे, 2 स्क्वायर अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में मल्टीप्लाई करने में कुछ बढ़ेगा नहीं, वही रहेगा नंबर, 2 की पावर 0 को हम 1 लिख देते हैं, और जहाँ पे 0 होगा वो नंबर 0 ही हो जाएगा, ये यूज नहीं करना। 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5, इसका आंसर 45 है, 32 8 40 44 45, 8 की पावर 0, 8 1 हो गया, 8 की पावर 1, इसका मतलब सॉरी ये 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 का मतलब 8 हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 8 स्क्वायर मतलब 64 स्क्वायर, ऐसे इसका आंसर होगा 64 मल्टीप्लाई 6 प्लस 8 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 इंटू 4, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 40 ये कितना होगा 384, सभी का यही है, इसको ऐड करने के बाद 4 4 8 2 4 28, इसका आंसर 428।